चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ की तरह तुहाडे एक बार फिर रूबरू हो रहे हैं पटियाला की कोरोना महामारी और होर खबरों की अपडेट में लैके स्वागत कर रहे हैं अमरजीत जी का। अमरजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमरजीत जी, किसानों का धरना लगातार जारी है, वो अज धरना कितने लगाया गया सी ते उहदे चलदे हुण पंजाब दे विच थर्मल प्लांट बंद होण लग गए हैं, वो किहड़ा थर्मल प्लांट है जिहड़ा अज पहले सब तो पहला बंद होया? जी बिल्कुल, जिस तरह किसान जथेबंदियों ने लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा रेलवे के ट्रैकों के उपर लगातार जो किसान ने डटे हुए हैं, हूँ जो मालगड्डिया भी लगातार जो किसान रोक रहे हैं, उसके संबंध में जो लगातार जी अखवाई आ रही है। बेशक गल की है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों जो बीते दिन जो बयान आया कि साढ़े को पूरे प्रबंध ने जेकर इस तरह के हालात ने तो पंजाब की जो स्थिति खराब हो सकती है, पर उन्होंने सीधे तौर पर नहीं किया, सीधे तौर पर गल की थी कि भी सानू पंजाब का जो ख्याल रखने की जो बहुत जरूरत है, क्योंकि किसानों ने यह गल कही पर किसानों ने अपील भी की ट्रैक छड़ दो। जी बिल्कुल, इस तरह जो उन्होंने कहा कि ट्रैक भी छड़ दो, नहीं तो फिर पंजाब की स्थिति खराब हो जाएगी कि साढ़े को इन्ना पैसा नहीं है कि असं बिजली खरीद सकेंगे। इस संबंध में जो गल की जाए पहला गोविंद साल का जो थर्मल प्लांट से वो बंद की तदाद के क्योंकि अजक भी जो बंद हो जाएगा। अच्छा राजपुरे की गल की जाए थर्मल प्लांट जो नाभा जो थर्मल प्लांट है राजपुर के स्थित है, वो जो थर्मल प्लांट है बिल्कुल जो अब बंद हो चुका है, क्योंकि लगातार किया जा रहा है कि थर्मल प्लांट के कोला बहुत ज़्यादा मौजूद है, इस करके बयानबाजी लगातार चल रही थी, सियासी पार्टियां भी लगातार इस्तेवार कर रही थी, पर अज जो थर्मल प्लांट प्रोपर तरीके जो बंद हो चुका है, इस करके जो हूँ कितना कित जो गल की जाए या पटियाला जिले की गल की जाए बहुत ज़्यादा खाई आने, क्योंकि पंजाब कई थर्मल प्लांट है जो बंद की तदाद है क्योंकि गड्डिया जीडिया नहीं आ रही। अमरजीत जी, कोई थर्मल प्लांट के प्रशासन वालों कोई बयान तो आया नहीं भी साढ़े कोला बिल्कुल खत्म होने लगे असं अजक बंद हो जाना है, यदा किया जा रहा है हफ्ते 10 दिन का जो पे स्टॉक पे सरकार वालों ही किया जा रहा है, तो बाकी होर बिजली बोर्ड के नुमाइंदे वालों किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह तुम कह रहे हो भी हाँ बिजली बोर्ड के नुमाइंदे वालों भी कह रहे हैं, कितना कितने जरा शंका जताई जा रही क्योंकि किसानों के हक के लगातार जरा किया गया भी किसान के हक के किसी तरह का जरा धरना प्रदर्शन उठाने की कोशिश ना की जाए, पर जो अज के हालात जो सैशन बन चुकी है जो इन्हें वेणू प्रसाद जेडे चेयरमैन ने बिजली बोर्ड के उन्होंने खास तौर पर अब जो किया कि अभी वित्तीय सहायता जी मनप्रीत बादल तो मंगे, क्योंकि जेकर किसानों के हालात रहे तो आने वाले समय से अभी पहला भी बिजली मूल खरीद रहे, तो अज लिखती रूप से चिट्ठी भेजी है बिजली बोर्ड के चेयरमैन वेणू प्रसाद ने खजाना मंत्री भी सानू 200 करोड़ का प्रबंध किया जाए, तो हूँ क्योंकि हूँ एक तो थर्मल प्लांट बंद हो गया, ये चलते हूँ होर बंद हो जा रहे हैं, उद्दे संबंधी सानू तैयारी करके रखनी पैनी है। चिट्ठी उन्होंने लिखती रूप से भेजी है? बिल्कुल, बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने लिखती तौर पर चिट्ठी लिखी है जो उन्होंने मीडिया ने भी जो बाइट भी दी है, सारा जिक्र किया गया जेकर इदा के हालात रहे तो कितना कित जो बिजली बोर्ड कई थर्मल प्लांट ने बंद हो जाएंगे, पर सीधे तौर पर आप गल की है वो स्पष्ट जो नहीं कह रहे भी थर्मल प्लांट बंद हो रहे हैं, पर अब जो शुरुआत जी है अब राजपुरे के जी है थर्मल प्लांट बंद होने की जी हो शुरुआत जी हो चुकी है। तुहाडी बिजली बोर्ड अज संबंधी सारी गलबात हुई सी, अमित तुसीं इह गल नहीं कीती भी जे कोला जे लोड़ पैंदी ट्रक्कां जी मंगाया जा सकदा? जी कितना कितें भी गल गई है, पर उन्होंने यही गल कहना सी जे ट्रक्कां तां आऊगा क्योंकि जिहड़ा सारा कोला वो रेलवे विभाग के राही आता है, चाहे रेलवे विभाग ने जिहड़ा स्पष्ट कर दिता है कि असीं माल गड्डियां तां भेजांगे जेकर साडियां यात्री वाली गड्डियां चलणगियां, उन्होंने यह भी गल जिहड़ी स्पष्ट कीती। उह तां रेल मंत्रालय ने किहा ना क्लीयर, कहिंदे जद तक सानूं क्लीयरेंस नहीं मिलेगी तद तक असीं कोई रेल गड्डी नहीं भेजांगे, इसलिए उन्होंने जिहड़ा माल गड्डियां भी बंद कर दित्तियां गए, जे उह कहिंदे जे माल गड्डियां से तां चलावां जेकर साड़ियां यात्रियों वाले गड्डे चला चलणगियां, जेकर साड़ी असीं माल गड्डे चलाते यात्री वाले अड़ियां गड्डियां खड़ जाणगियां तां कितना कितें सानूं जिहड़ा होर ज़्यादा लॉस होवेगा। अमरजीत जी, 2 नवंबर नूं सुखबीर सिंह बादल आ रहे हैं पटियाले, नाभा विखे उन्हें धरना देना है धर्म सिंह साधु के अगेंस्ट क्योंकि स्कॉलरशिप घोटाले उन्हों का नाँ आ रहा है, तो अज की तैयारियों लैके की मीटिंग हुई है की कहना सी अकाली दल के नुमाइंदे का? जी बिल्कुल, जिस तरह सुखबीर सिंह बादल वालों जो 2 तरीक नाभा विखे जो धर्मसोत साधु सिंह धर्मसोत कैबिनेट मंत्री वालों जो तकरीबन 64 करोड़ रुपये का घोटाला जो वजीफा घोटाला किया गया उसको लैके बेशक पंजाब सरकार ने क्लीन चिट भी देती, मुख्यमंत्री वालों जो क्लीन चिट भी दी गई थी, पर यह नहीं पता लग गया भी जो घोटाला किया किसने, वो जांच चल रही है। इन्हों वालों अकाली दल वालों जो 2 तरीक न अपनी सारी लीडरशिप वालों जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जेकर अज की गल की भी अज प्रोफेसर प्रेत सिंह जो सीनियर लीडर ने अकाली दल के उन्होंने वालों जो घनौर सनौर हल्का नाभा के जी है वक् वक् जगह पर जाकर जो वर्करा के नाल मीटिंग की गई है किस तरह इकट्ठ करना, क्योंकि जो सोना के प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के उत्थे पहुंचने के भारी इकट्ठ की जी दिखाने की जी है संभावना जताई जा रही है, इस करके जो अज उन्होंने सारे वर्करा नाल मीटिंग की है, पर कितना कितने गल की इस सियासत जी है रंगत दी जा रही है लगातार, जब एक क्लीन चिट दी गई है सरकार वालों फिर क्यों उससे जरा वारी वारी जी सियासत की जा रही है जी? अकाली दल इस टाइम लगता कोई खाली पॉइंट नहीं दे छड़ना चाहता जितों सियासी रोटियां नाश देखी जा सकन,
अमरजीत जी घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है, अज एक पटियाला विखे एक व्यक्ति वालों अपनी पत्नी से तेजाब सुटिया गया, कारण की सीगा? जी बिल्कुल, जिस तरह तेजाब की घटना पहला भी कई जो मामले सामने आए हैं, पर अब पटियाला की गल की जाए घेर सकूडिया के रहने वाली जी औरत है और पति ने जरा उस उपर जो तेजाब सुटिया, बेशक तेजाब के उपर पंजाब सरकार वालों जो सेंटर सरकार की गल की बैन लगाया गया क्योंकि तेजाब जो रखता जा बेचता उसे कानूनी कार्रवाई भी होंगी है, पर कितना कितने सवाल यह भी खड़े होंगे वो बंदा तेजाब कितों लैके आया तो कि दुकान तो लैके आया, उसको किस तरह मिले, पुलिस की जांच कर रही है। जेकर जी औरत उपर जो तेजाब सुटिया गया रजिंदर अस्पताल जेरे इलाज है, पति की गल की जाए पुलिस ने जी छानबीन की है, वो जो किसी घरेलू घर ने जो रोज झगड़ा करता से दारू पीता से जाने की नशे का आदि से, उस तो बाद जी लेडीज़ है रजिंदर अस्पताल जेरे इलाज है, पुलिस ने मामला दर्ज करके दो दिन का जरा रिमांड हासिल किया। कोई तेजाब सुटना हल तो नहीं है हिसाब से? जी बिल्कुल, जिस तरह तेजाब की गल की इस तरह कोई हल नहीं, जेकर वो दारू पीता से तो उसने जो तरीके समझाने की जो पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, पर कितना कितने उन्हें अपना शरीर जो जला दिता, पर यह नुकसान तो अपने घर का ही होया ना, उन्हें अपने घर लिए साड़ के रख दिता, एक छोटी जी हिंसा जी इन्ना वड्डा रूप धारण कर चुकी, कितना कितने इस गुस्से जो अपने कंट्रोल करने जो बहुत कुछ करना लाजमी से, छोटा जा गुस्सा आया तो इन्ना वड्डा नुकसान पूरी उम्र का करके बैठ गए। अमरजीत जी जाते जाते गल कर लें कोविड की गल करते हैं जी कि पहले डिस्कस करते हूँ खत्म हों जा रहा, अज पटियाला जिले के कुल किन्ने केस आए, किनिया मौतें हुई, की है वेरवा, किन्ने टेस्ट हुए? जी बिल्कुल, करोना महामारी की गल की जाए हूँ करोना महामारी जी लगातार जी घटती जा रही है, तकरीबन जो हूँ आप कह दी खत्म की तादाद के ही है, तो कुल पटियाला जिले की गल की जाए 26 केस जो पटियाला जिले के संबंध जो अज ने आए हैं, पटियाला शहर जो 15 केस ने, समाणा 5, नाभा 2, बाकी वक्त वक्त पिंडा के संबंधित ने, तकरीबन पटियाला जिले के 280 केस जो एक्टिव रहे जो हूँ मौजूद ने, 280 केस जो पटियाले जो जो वक् वक् जो सरकारी जो अदारे बनाए गए सरकारी हॉस्पिटल बनाए गए उत्थे जड़े ने यह जे करोना पेशेंट जो 280 के करीब एक्टिव ने जी। हाँ अमरजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, घरेलू हिंसा की गल कर रहे थे, सानू अपने दिमाग से कंट्रोल रखना चाहिए, 2 मिनट का गुस्सा पूरी जिंदगी खराब कर देता हूँ। फिलहाल अज लिए इन्ना ही, कल इसे वेले फिर हाजिर होवांगे, तद तक लिए आग्या दिओ, धन्यवाद। सबसक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन लई प्रेस करो बेल आइकन।